किसी भी प्रकार की कोई रणनीति कभी नहीं बनाई। एनी टॉक अबाउट द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन कैनॉट बी कंप्लीट विदाउट विनय कटियार रोल। कटियार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बजरंग दल एट द टाइम ऑफ द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। ही हैज बीन नोन टू एडवोकेट हिंदुत्व विद सच फर्वर that some of his associates call him the hero of the Ayodhya movement. Vinay Kattiyar gives us ample evidence of his presence in Ayodhya when he tells a reporter that there were day-long religious activities on the day after the Babri Masjid was demolished. It was only two nights later that the police informed him about the riots that had engulfed the country as a consequence. दिन भर काम चलता रहा, एक रात और बीत गई। इसके बाद पुलिस ने कहा कि जाइए, स्थिति बड़ी खराब हो रही, देश में दंगे शुरू हो गए थे। कितना समय सर रहे होंगे उस समय? यार हम तो 24 घंटे 48 घंटे पूरा आगे पीछे हमेशा रहे ना वहीं, जब तक गिरफ्तार नहीं हो गए। After a brief mention of his apparently innocuous role, Vinay Kattiyar reveals to the reporter that the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao with his Home Minister Shankar Rao Chauhan played a significant role. According to Kattiyar, the Babri Masjid demolition had their tacit approval. बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नरसिंह राव की थी, गृहमंत्री का चौहान की थी, दोनों को अपने पंगे पे रहे, तीन दे रहे, ये गिरा था, ये गिर गया, ये गिर गया, दुनिया भर को सबको बताते रहे कि नरसिंह राव सो रहे हैं। शंकर राव चौहान ने मुझसे तो स्वयं कहा था जहाज में जी। जब अयोध्या आए थे जी। क्या कहा था? उससे कहा था भैया जल्दी बनाओ, आपकी सरकार है जी। इसको सब ध्वस्त करो, बनाओ। अलग अलग है विषय। कब की बात होगी सर? और ढांचा गिरने से 6 महीने पहले था। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुछ।